जहां भी पाकिस्तान की कोई तकरीब होती है उसमें अगर ये ना हूं तो लगता है कि तकरीब अधूरी है। तो मैं चाहूंगा कि बाबा सिद्दीक साहब स्टेज पे आए और आज के इस खूबसूरत दिन के, जो खुद बोल रहा है हमें कहने की जरूरत नहीं है, इस खूबसूरत दिन के हवाले से चंद ख्याल का इजहार करें। हम आबाद औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मेरे न्याय के काबिल कदर मोहतरमीन इकराम, ख्वातीनों हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको मालूम है आपके आज ही के दिन यानी 14 अगस्त 1947 रमजान शरीफ की 27 तारीख को पाकिस्तान मज़े वजूद में आया, जिसकी मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ये मुल्क ठीक हमें शबे कदर वाले दिन देकर ये बात समझाई है कि उम्मत मुसलमान के लिए एक खास तोहफा है। अगर हमें इसकी आजादी को बरकरार रखना है तो फिर हम सबको मिलकर इस मुल्क की इंतहाई यानदारी अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक खिदमत करनी होगी। इसी में हमारी कामयाबी है और पाक फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। वस्सलाम।